वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी हम अपने घर को देखते हैं। उर्दू शायरी और कविता के अजीम शहनशाह मिर्ज़ा गालिब की हवेली, जो हिंदुस्तान के दिल, पुरानी दिल्ली की कासिम जान, बल्ली मारन नाम की गली में बसी हुई है। गालिब की ये हवेली उनकी शायरी और मुग़ल सल्तनत के उस दौर की याद दिलाती है, जब मुगलिया सल्तनत अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। मिर्ज़ा गालिब को उर्दू और फारसी ज़ुबान का सबसे बड़ा शायर होने का खिताब हासिल है। मिर्ज़ा का जीवन और उनकी शायरी देश के ही नहीं, दुनिया की एक बड़ी आबादी को बेफिक्री और मोहब्बत देती है। गालिब की हवेली के हर कोने से आपको उनकी शायरी की खुशबू आएगी और आपका मन उसी दुनिया में खो जाएगा। किसी शायर के लिए गालिब की हवेली जन्नत से कम नहीं है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इश्क पर जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब की, लगाए न लगे बुझाए न बुझे। हाथों की लकीरों पर मत जा गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछो उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। कोई मेरे दिल से पूछे तीरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मैं नादान था जो वफा को तलाश करता रहा गालिब, यह न सोचा कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफा हो जाएगी। ठिकाना कब्र है इबादत, कुछ तो कर गालिब। ऐ खुदा एक आईना ऐसा भी बना दे जो चेहरा नहीं नियत दिखा दे।